सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, अचिंत एक्सवाला आज आपके लिए एक और वीडियो लाया। और आज की वीडियो भी अपनी ग्रैंड विटारा की होने वाली है भाई। जैसे कि अपने पास अपर वेरिएंट आ रखा है ग्रैंड विटारा का, और इसमें हम बहुत ही प्रो लेवल का वर्क कर रहे हैं, जो कि आई थिंक अभी से पहले आपने ग्रैंड विटारा में नहीं देखा होगा। मैं कह रहा हूँ कि आप अगर मेरे चैनल को भी आप फॉलो कर रहे हो तो ये जो काम इसमें हो रहा है ये अब से पहले मैंने भी नहीं दिखाया है आपको। तो ये सिर्फ आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और भाई वीडियो पे बने रहें। बाकी जैसे कि पहले मैं बेसिक सी बाहर की चीज़ें कवर कर देता हूँ। जैसे कि अपने पास सेम OEM अलॉयज अवेलेबल है 17 इंचेस में, डोर ग्लाइडिंग अपने पास से लगी है, डोर वाइजर्स अपने पास से लगे हैं, ओरिजिनल डोर वाइजर्स है भाई। OEM जो अपने पास अवेलेबल है, OEM की पहचान ये होती है कि इसमें ये जो क्रोम है यहाँ पे नहीं आता है, लास्ट वाले पोर्शन में नहीं आता है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ सबसे मेन चीज़ जो है वो है भाई इसकी रूफ। देखो आप, हमने पूरी की पूरी रूफ डैम्पिंग करी है। ये देखो स्टार्टिंग टू एंड भाई पूरी रूफ डैम्पिंग हुई है इसकी। तो आप देख रहे हो, मतलब बिल्कुल साउंड आइसोलेशन तगड़ा वाला कर रहे हैं इसमें हम। कोई बाहर से कोई आवाज़ नहीं आएगी, इतनी हैवी डैम्पिंग की गई है। आप ये चेकआउट करो पूरी की पूरी। उसी के साथ साथ जैसे कि अपर वेरिएंट है तो ये चीज़ आपने आज से पहले नहीं देखी होगी। ये जो आप देख रहे हो ये वाइट वाइट जो पोर्शन है, ये एयर बैग है जो स्टार्टिंग से एंड तक कवर अप करते हैं। ये देखो भाई, ये प्रॉपर एयर बैग है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। ये आपको कहीं भी नहीं, किसी वीडियो में नहीं देखने के लिए मिलेगा, बट आज गाड़ी खुली है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एयरबैग कैसा होता है। ये जो पिलर एयरबैग है, साइड एयरबैग जिसे बोलते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसा होता है। ये एयरबैग है। और बाकी इसमें अभी मैं आपको एक और प्रो लेवल की चीज़ दिखाता हूँ, वो ये है कि इसमें हमने लगाई है अपनी कार्डी K4 लाइट लगाई है भाई। और ये देखो जो ऐसे फ्लोट करती है कलर टू कलर, ये आप देखो भाई बहुत ही प्रो लेवल की लाइट है। तो ये कार्डी K4 लाइट लगाई है हमने, वो भी अपने 18 पीसेस वाली। ये देखो भाई, तो इतनी प्रो लेवल की भाई लाइट लग रही है, बाय गॉड। आज से पहले काफ़ी गाड़ियों में इंस्टॉल्ड हुई है, बट अभी तक हमने विटारा में नहीं की थी। शायद ही हो भी हो, बट मैंने अभी तक शूट नहीं की थी। तो ये भाई इसमें देख लो आप, हमने इसमें भी लगा दिया और शूट भी करी है। तो प्रॉपर आप एक बार चेकआउट कर लो, बाकी आप दोबारा से चेकआउट करो प्रॉपर। ये भाई ऐसे फ्लोट करते हैं इसमें कलर्स, जैसे फ्लोटिंग इंडिकेटर्स होते हैं ना, इसमें कलर्स फ्लोट करते हैं। ये देखो भाई आप, वो कलर ऐसे जाएगा और पूरा ऐसे एंड तक। ये देखो बहुत ही प्यारी लग रही है। बाकी वहाँ पे भी देखो वो ऑन हो गई। और उसी के साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली भी ऑन हो चुकी है। इतनी प्यारी लग रही है कि भाई वहाँ पे आप चेकआउट करो। तो भाई आज से पहले आपने विटारा में ये चीज़ नहीं देखी होगी। ये देखो भाई आप, आज से पहले आपने विटारा में कार्डी की K4 लाइट नहीं देखी होगी, रूफ डैम्पिंग नहीं देखी होगी, एयरबैग्स नहीं देखे होंगे। ये सिर्फ सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में ही दिखा रहा हूँ, आप बात समझ गए। तो पूरी देखते रहो, अभी जैसे कि पूरी कार अभी कंप्लीट होगी तो उसके बाद और भी तगड़ी चीज़ें होंगी। बाकी आपने ये चीज़ भी आज से पहले नहीं देखी होगी, रूफ डैम्पिंग तो हो चुकी है, रूफ रैप में कैसी लगती है ये भी आप देख लो भाई। ये पूरी की पूरी कार रूफ रैप हुई है और प्रॉपर रूफ रैप हुई है एच टू एच, और कितनी प्यारी लग रही है। फिटिंग्स वगैरह आप पूरी चेकआउट कर लो। ये देखो भाई, और मोड देख लो आप, कार्डी K4 का K4 एम्बियंट लाइट का ये वाला मोड भी देख लो। मतलब मैं ना बैक टू बैक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो बहुत ही तगड़ी लग रही है ये। और ये देखो भाई, ये यहाँ पे भी ऐसी ट्रेवल कर रही है, पूरी फ्लोट कर रही है, कलर टू कलर फ्लोट करेगी। अब कलर चेंज हो गया, अब एक और कलर चेंज हो जाएगा,
अब ये पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया। तो भाई ये कुछ सीन्स है। बाकी एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि आई थिंक इसमें जो जो इसके विंडशील्ड्स है ना वो अपने वो है, कौन से विंडशील्ड्स आते हैं, हल्के हल्के ग्रीनिश होते हैं। तो भाई उसी के साथ साथ अपनी ओरिजिनल OEM नेक्सा की स्कफ प्लेट इंस्टॉल्ड हुई है। ये प्रॉपर चारों डोर्स में इंस्टॉल्ड हुई है। अभी देखो इसकी वायरिंग भी हो चुकी है, तो ये लाइट भी इसमें जल रही है, ये आप चेकआउट करो। तो बहुत ही प्यारी लगती है जब नाइट में ये ऑन होती है, और इतनी ज़्यादा शेड नहीं होती है। इसकी पूरी वायरिंग वगैरह सब हो चुकी है, यहाँ पे भी ये लग चुकी है भाई, चारों ही डोर्स में लग चुकी है, वहाँ पे भी लग चुकी है। तो ये अपने पास इंस्टॉल्ड हुई है। अभी इसमें ओरिजिनल OEM अपनी जो रूफ रेल्स आती है वो भी इसमें इंस्टॉल्ड हो रही है। मतलब कि ये जो कार है ना ये वन इन इंडिया होने वाली है, जिसमें सारा यूनिक काम हो रहा है ग्रैंड विटारा का। जैसे कि अपनी कार्डी K4 एम्बियंट लाइट, रूफ डैम्पिंग, रूफ रेल्स ओरिजिनल OEM वाली, और अपनी ये लगी है इसमें डोर वाइजर्स लगे ओरिजिनल, और डोर ग्लाइडिंग लगी है। ये सारा का सारा काम हो रहा है भाई। भाई यहाँ पे देखो उसके होल्स हो रखे हैं अपने रूफ रेल के, वो आपको पता नहीं चलेंगे। इधर होल्स हो रहे हैं, अभी उधर काम चल रहा है। ये लेकिन बाकी कोई नहीं कर सकता इतना जल्दी। हाँ भाई ये तो मानने वाली बात है, जिसको प्रॉपर जो लगा रखा है परफेक्ट है वही लगा सकता है। ये बात तो भाई बिल्कुल है, क्योंकि ये OEM वाली है। सबसे मेन चीज क्या है कि हाँ ये अपनी OEM वाली है, और इसके भाई जो होल होते हैं वो बिल्कुल ध्यान से किए जाते हैं, और बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे किए जाते हैं। दोबारा हुआ तो हाँ भाई। और ये देखो कितनी प्यारी फिटिंग आई है, बिल्कुल OEM वाली लग रही है। ओनली एट काउंटिंग कार्स ग्रैंड विटारा को बनाया गया बेसे टॉप, बेसे टॉप। और ये देख लो भाई आज सनरूफ भी लगाना, सनरूफ भी लगा देंगे, सनरूफ सब कुछ लग जाएगा A to Z। और ये वाली जो कार है ना अपनी वन इन इंडिया हो रही है, जैसे कि इसमें रूफ रेल्स पहली बार लग रही है। आज तक आपने नहीं देखी होगी ना किसी और के चैनल पे, ना हमारे चैनल पे भी अभी तक हमने नहीं लगाई थी, बट आज ये लगा दी। कार्डी K4 की लाइट लगाई है, पूरी रूफ डैम्प की है। तो पूरी की पूरी भाई ये आप चेकआउट करो, ये ही गेम्स है भाई, यही गेम्स है। ये असली है, ये असली है, ये है गेम्स। और ये सब कुछ नेल्ड कर रहा है अभी है संजीत भाई। ये भी किसी भाई को चेंज करवाना अगर बेस मॉडल में तो ये भी अवेलेबल है, ये भी अपने पास स्पेयर पार्ट्स में अवेलेबल है। ये एक तो इस पे ऊपर से लगती है, ये वाली प्रॉपर अपने पास अवेलेबल है। ये दो चीज हालांकि हर किसी को पता नहीं होगा, एक जो गार्निश है ऊपर से लगती है, बट ये ओरिजिनल पार्ट भी अपने पास अवेलेबल है। तो ईच एंड एवरीथिंग भाई अपने पास अवेलेबल है, बस आप रिक्वायरमेंट के साथ आओ, आपका काम हो जाएगा भाई, हो जाएगा। और अभी ये फिटिंग हो रही है, बाकी प्रॉपर फिटिंग होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ब्लैक रूफ के साथ ब्लैक रूफ रेल्स अलग ही लग रही है भाई। तो भाई अभी अपनी गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे एम्बिएंट लाइट लग चुकी है। ये आप चेकआउट करो भाई, जैसे ही ऑन होती है कुछ ऐसे सीन्स आते हैं भाई। और यहाँ पे भी ये लगी है प्रॉपर, यहाँ पे लगती है ये पूरी लगी है। उसी के साथ साथ अभी ये वाला पोर्शन सिर्फ अभी एक स्विच में होता है, जैसे ही ACC करेंगे बाकी के डोर पैनल्स भी ऑन हो जाएंगे। और ये देखो भाई बाकी के सारे डोर पैनल्स ऑन हो चुके हैं। मेन चीज़ क्या है कि इसमें अभी लाइक जैसी ऑन होती है तो ये फ्लोट करती है, एटमोसफियर लूप करके मोड है उसमें। देन उसके बाद अभी ये वाइट कर रखी है, वाइट में भी डिम कर रखी है, तो इसलिए देखो भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फैक्ट्री फिटेड आती है ना, वो वाली अभी फील आ रही है। ये देखो भाई प्रॉपर वो वाली फील आ रही है इसमें। यहाँ पे आप चेकआउट करो, जैसे कि ये अभी फैक्ट्री फिटेड ही है ये वाली पोर्शन। बाकी यहाँ पे लाइट लगी है, ये पूरी वाइट है। उसी के साथ साथ भाई रूफ अपनी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो भाई रूफ अपनी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, डैम्पिंग के साथ डैम्पिंग हो चुकी है इसमें। और उसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो अपनी ये रूफ रेल्स लगी है इसमें, ये OEM वाली रूफ रेल्स है। और ये देखो भाई ये मैंने पकड़ी और ये मैंने गाड़ी हिला दी भाई। ये देखो गाड़ी कैसे हिल रही है, रूफ रेल से पकड़ के हिला रहा हूँ।
इसमें भाई 5-6 छेद होते हैं एक रूफ रेल में, और वो जो छेद होते हैं ना वो यहाँ पे बीडिंग होती है उसके अंदर छेद होते हैं, उसके अंदर होल्स होते हैं, तो ऊपर रूफ में नहीं होते आपके जो छेद होंगे ना वो रूफ में नहीं होंगे। कभी आप सोचो कि रूफ में हो रहे हैं छेद, रूफ में नहीं होते, अंदर बीडिंग में होते हैं, बीडिंग जहाँ पे लॉक होती है उसके अंदर छेद होते हैं। और ये देखो भाई, ये देखो कुछ ऐसे सीन्स हैं, और पूरी भाई फिटिंग में आपको चेकआउट करा देता हूँ। ये देखो भाई प्रॉपर फिटिंग देख लो, पूरी रूफ लग चुकी है फिटिंग के साथ, यहाँ पे पार्सल ट्रे लग चुकी है, और उसी के साथ साथ अपनी यहाँ पे ये पैनल्स लगे हैं, इनकी देखो शेड्स वहाँ पे आ रही है क्रोम की। बाकी ये देखो भाई, देख रहे हो भाई बाहर से गेम्स आप चेकआउट कर रहे हो सिर्फ इसी चीज के पैसे है। हकीकत में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो जब बंदा बाहर से देखता है ना इन लाइट्स को, तो इतनी वो प्रीमियम वाली फील आती है, जैसे आपकी एस क्लास में, Q7 में, और काफ़ी सारी गाड़ियां हैं जिनमें ये वाली लाइट्स आजकल एम्बियंट लाइट लग के आ रही है। बाकी सबसे पहले जो एम्बियंट लाइट आई थी वो एस क्लास में आई थी, उसके बाद ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, उसके बाद EL वायर आई थी, अभी ये थर्ड फोर्थ जनरेशन आ चुका है एम्बियंट लाइटिंग का। तो ये कुछ सीन्स है, ये देखो भाई। बाकी यहाँ पे स्कफ प्लेट लगी है अपनी ओरिजिनल नेक्सा की। तो भाई उसी के साथ साथ बात करें तो डोर्स में भी डैम्पिंग हुई है, जैसे कि आप चेकआउट करो, और रूफ की मैं आपको पहली बार डैम्पिंग चेकआउट कराता हूँ, देखो इससे ज़्यादा नहीं करूँगा भाई, मेरे हाथों में लग रही है। बाकी पूरी डैम्प होने के बाद ना बजना बंद हो जाता है। इन फ्यूचर में जैसे कि आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद कुछ चीज़ ऊपर से पड़ेगी तो वो डेंट आ जाता है, वो डेंट नहीं आएगा, और जैसे बहुत सारे बंदे इस पे चढ़ते हैं तो ये दबती है वो दबेगी नहीं, बहुत सारी चीज़ों से रजिस्ट हो जाती है, बारिश की आवाज़ नहीं आएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे कि भाई डैम्पिंग होने से अपनी रूफ सेफ हो जाती है। वही चीज़ सेम प्रिंसिपल अपना डोर्स पे अप्लाई होता है कि भाई कुछ चीज़ ऐसे लगेगी। ये देखो भाई, ये मैं दबा रहा हूँ दरवाजे को, कुछ नहीं हो रहा है। बाकी अरे वो भैया की गाड़ी हटवा दी ना उसने, क्यों ओए हट, एक मिनट हट जा, गेट बंद कर, तो मैं नहीं बोल रहा, जल्दी हट। तो भाई उसी के साथ साथ बात करें तो पूरा का पूरा अपना जो स्टीयरिंग है वो रैप हुआ है बिल्कुल जिगजैग वाली स्टिचिंग में, ये आप चेकआउट करो, हाई एंड वाली जो स्टिचिंग होती है उसमें भाई हुआ है, जो अपना टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं आता, ये देखो भाई आप। और लुक अगर मैं आपको चेकआउट करूँ तो ये देखो। बाकी भाई मेन चीज़ क्या है कि एच टू एच आप चेकआउट करो कितनी प्यारी फिटिंग आई है, स्टिचिंग आप चेकआउट करो, ये देखो भाई स्टिचिंग एक नंबर हुई है, और एम्बियंट लाइट लग चुकी है, पूरी टॉप नॉच भाई गाड़ी हो चुकी है। एम्बियंट लाइट अपनी 18 पीसेस वाली लगी है, जो अपनी नीचे अपने लेग रूम को भी कवर अप करती है, ये आप देख रहे हो लेग रूम को भी कवर अप करती है, यहाँ पे भी ये शेड आ रखा है, अगर आप चेकआउट करोगे तो वो आ रखा है भाई। अभी लाइट जल रही है तो इसलिए पता नहीं चल रहा है भाई। रूफ के साथ साथ अपने जो साइड के ORVMs है वो भी रैप हुए हैं, तो ये भी आप चेकआउट कर लो, ये पूरे के पूरे ORVMs वाइट होते हैं, जैसे कि कलर वाइट है तो ORVM वाइट होते हैं, बट ये भी रैप होके ब्लैक हुए हैं, पिलर्स तक भाई पूरी की पूरी रैपिंग हुई है, और ये आप एज टू एज भाई आप चेकआउट कर लो, यहाँ से आप पूरी चेकआउट कर लो, तो पूरी प्रॉपर इस पे रैप हुआ है भाई। भाई ये इसकी टेल लाइट है जो मेरे को बहुत ही पसंद आती है, इसकी मोर देन हाई राइडर। बाकी वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, अगर आपको वीडियो आई है पसंद तो लाइक से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे, एंड काउंटिंग कास्ट की सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। टिल देन अचिन विद यू फॉर यू ऑलवेज, बाय बाय।